श्री नाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय बड़ा सीधा है, अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान का अर्थ हुआ कोई आपसे कुछ पूछे, आपको उसका जवाब आना चाहिए और ये जवाब आपके अपने हार्ड डिस्क में सेव हो ये जरूरी नहीं है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है इसके क्लाउड मेमोरी में हर तरह का जवाब होता है और ये जो अनंत ब्रह्मांड जब आपके या किसी के भी साथ कोई खेल रचता है ना, तो उस खेल में क्या होगा और नहीं होगा, ये जो पहले से इन्फॉर्मेशन उस क्लाउड सिस्टम में डाला हुआ है उसी के हिसाब से होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ड्रामा का, और ये लाइफ के लिए भी सत्य बैठता है, कि 8 तरीके का ही सिचुएशन हो सकता है, उसके अलावा जो भी सिचुएशन होता है वो किसी दो सिचुएशन का मिला मिलाया खेल होगा। जब हम साधना करते हैं और जब गुरु आपका साधना देता है तो गुरु को आभास होता है आपके चित्र विचित्र को देख करके कि अगर ये साधना ये करेगा तो इसके साथ क्या क्या होने वाला है। एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। शिष्य को क्या था कि खलबली मची हुई थी कि जल्द से जल्द मैं अघोर साधक हो जाऊं। तो गुरु उसको समझाते थे कि नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम पके हुए नहीं हो। कहानी 20 25 30 साल पुरानी है, उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो अभी से भी ज्यादा अघोर के प्रति लोगों के मन में भ्रम हुआ करता था। और ऐसा लोग समझते थे कि अघोरी ने श्राप दे दिया तो आप खत्म हो जाओगे, अघोरी अघड़ कहीं मिलता नहीं है, अघोरी वही होता है जो शमशान में जाता है, सिर्फ शमशान में ही अघोर की साधना हो सकती है ना। मतलब जैसे महिलाओं में डाइन बोला जाता था ना, वैसे ही औघड़ या अघोरी माने जाते थे पुरुषों में। और लोगों को लगता था अगर मैं औघड़ बन गया तो मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, किसी को मार दूंगा, किसी को कुछ भी कर दूंगा। तो गुरु समझ रहे थे कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है, तो वो टाल रहे थे। तो एक दिन दोनों में बहुत कहा सुनी हो गई। शिष्य ने बोला कि आपने मुझे बस रखा है सेवा करने के लिए, आपको एक व्यक्ति चाहिए जो मसान में रोटी बनाए, चिता पर सेके और आप बैठ कर के खाओ, मुझे तो कुछ सिखाते हो नहीं। तब गुरु ने बोला ठीक बेटा, आज से तुझे सिखाऊंगा। मतलब एक काफ़ी लड़ाई हुई लंबी दोनों में। अघोर में क्या है कि गुरु शिष्यों का प्यार बड़ा दूसरे तरीके का होता है, सात्विक साधक जैसा नहीं होता कि दूर से गुरु को साष्टांग प्रणाम कर लिया, गुरु को देख लिया, मन भर गया। नहीं नहीं यहाँ तो गुरु के साथ खाएंगे भी, गुरु को खिलाएंगे भी, है ना, 10 तरह की बातें करेंगे, घर की बात, बाहर की बात, और जब इन सब चीज़ों को, इन सब कृत को करके जब समय मिलेगा तब साधना पे चर्चा करेंगे, और तब मन हुआ तो गुरु एक साधना देंगे और फिर साधना होगी नहीं होगी, फिर कोशिश होगा, फिर साधना किया जाएगा। तो इस तरीके से अघोर साधना अपने एक पेस में बढ़ता है और एक बड़ा खूबसूरत संबंध होता है गुरु और चेले का, जैसे एक बाप बेटे का होता है, दो मित्रों का होता है।
तो काफ़ी लड़ाई के बाद उन्होंने बोला चलो नदी के तीरे। तो दोनों जो है निकल गए नदी के तीर पर और चेले को निर्वस्त्र करा के गुरु ने बैठा दिया और बैठा करके आकाश की तरफ देखने को बोला दक्षिण दिशा में। सामने कुछ कुछ व्यवस्था कर दिया, कान में एक मंत्र बोला 3 बार और बोला कि इसको जापो। तो चेले ने बोला आज फिर तुम मुझे बना रहे हो। बोला नहीं तुम जापो, मज़ा आएगा तुम्हें। और ये बोल करके नदी के दूसरे तरफ, मतलब नदी के इस छोर से उस छोर आप देख सकते थे उस रात्रि में, चांदनी रात थी, और गुरु जाके वहाँ बैठ गए थे। अब शिष्य ने जाप शुरू किया, उसको लगा होना जाना तो कुछ है नहीं। तो जाप करते करते उसको लगा कि उसके कमर पर कुछ रेंग रहा है, ठंडक जैसा। थोड़ी देर में उसको आभास हो गया कि पीठ पे उसका एक सांप है। फिर दूसरा सांप आया, वो पैरों के बीच से उसका निकला। अब ये उठ सकता नहीं है, उठेगा तो नाक डस लेगा और हिलेगा तो नाक डस लेगा। तो बड़ा जो है वो चिंतित एक ही अवस्था में, और गुरु को वहाँ देख रहा है। गुरु सामने में तीर पर बैठ के आनंद ले रहा है, उसने अपने मांस मदिरा का व्यवस्था कर रखा था, वो पूरा पार्टी मूड में एंजॉय कर रहे थे। ये मन मन गाली भी दे रहे, जाप भी कर रहे, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। और गुरु ने एक बार इधर उधर देखते थे इसको और फिर ऐसे ऐसे हाथ दिखाते हैं, हाँ मैं हूँ ऐसा। चेला सोचे कि कहाँ फंसा मैं, हैं ये सांपों की बस्ती में ला के मुझे बैठा दिया है। अच्छा, गुरु घूम फिर के आते थे, अपना तीर पर ही घूम रहे थे, शराबे पी रहे थे, और इसको बार बार अपनी लाठी से ऊपर बोलते थे, ऊपर देखो ऊपर देखो, ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इसने जाप करते करते मध्य रात्रि के आसपास जब बीत गया तो इसने आकाश में एक दृश्य देखा, और वो जो दृश्य था उसने एक मार्ग प्रशस्त किया उनके चेले में, और एक दृढ़ इच्छा और एक दृढ़ विश्वास इनमें पैदा हुआ कि शक्तियां तो होती हैं और ऐसी होती हैं जिनको आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। ये अघोर है। फिर दोनों अपना अपने गंतव्य पर वापस हो लिए। शिष्य ने अपना वस्त्र पहना, गुरु को बोला कि पहले बताते ऐसा कुछ होने वाला है। गुरु ने मजाक लिया कि पहले बता देता तुम भाग जाते हो, और तुम मैं पहले बता देता अगर तुम नहीं भी भागते, मानसिक रूप से तैयार रहते तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं क्यों बताऊँ। फिर दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन जैसे गुरु चेले मिलते थे वैसे मिलने लगे। ये एक आम परिवार का लड़का था, ब्राह्मण परिवार का। दूसरे दिन से कोई नहीं जानता था कि उसके साथ रात में क्या हुआ, उसने क्या देखा, लेकिन साधनाएं उसके साथ निरंतर चलती रही। और आम लोगों की नज़र में ये वही ब्राह्मण बालक था। ये भी अघोर है कि जब भीड़ में आप हैं तो भी आपको कोई ना पहचाने, और जब आप साधना कर रहे हैं तो भी आप अकेले हैं। ये जब आप करना सीख जाएंगे तब आप अघोर के पहले चरण को छू लेते हैं, अनंत ज्ञान की तरफ जो आपका एक पराक्रमी उद्घोष है। अघोर मार्ग से वीर मार्ग है ना, तो उसमें आप पहला स्टेप चलने के लिए आप तैयार हैं। ये तय तब होता है जब आप साधना करते भी हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि आप साधक हैं। फिर क्या सुनते हैं हम कि अघोर में भूत प्रेतों की साधना होती है, डाइन चुड़ैलों की साधना होती है, कानिफनाथ जी बहुत चमत्कारी
औघड़ थे, अघोरी थे, राजाओं का जीवन जीते थे और सही में चमत्कारी व्यक्ति थे। तो कलयुग भी है तो चमत्कार को हर जगह नमस्कार है और उनको भी सब लोग नतमस्तक होकर नमस्कार करते थे। जब पहली बार अपने गुरु से मिले ना, तो किसी ने उन्हें बताया कि आप चले जाओ जालंधर नाथ जी यहाँ मिल जाएंगे। ये वहाँ पर गए, चारों तरफ इन्होंने जालंधर नाथ जी को खोजा तो उन्होंने कहीं जालंधर नाथ जी नहीं मिले। किसी ने बताया एक भंगी को दिखा के, यही है जालंधर नाथ जी। उन्होंने हट, ये मेरा गुरु होगा, एक भंगी। जालंधर नाथ जी ने बोला रुको इसको और थोड़ा सिखाता हूँ। फिर एक और गुरु के पास भेजा, वो गुरु और कुछ कृत करता था। अच्छा जालंधर कानिफनाथ जी क्या थे, कानिफनाथ जी भी जन्म से ब्राह्मण थे, तो उनको बोला गया कि लो तुम मलमूत्र खाओ, कच्चा मांस खाओ, चिता का लाश खाओ। उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता इस जीवन में मुझसे। तो गुरु ने तुरंत अपना शरीर परिवर्तन कर लिया और वो सियार बन गए। और सियार बन करके उन्होंने जो लाश था उसका भक्षण कर लिया। तो इंसान के रूप में जब गुरु थे तब उस लाश का भक्षण करना गलत था, अनुचित था, लेकिन जैसे वो सियार बन गए उन्होंने भक्षण किया तो वो सही था। फिर गुरु ने दूसरा टेस्ट किया, जब सियार के रूप में तो उन्होंने भोजन किया और फिर मलमूत्र त्याग कर दिया, बोला अब यही तुम्हारा प्रसाद है तुम तो अब इसको खाओ। तो इन्होंने मुंह बनाया, बाकी चेलों ने खा लिया, जैसे ही उसको उठाया वो मिठाई बन गया। तब इनको बड़ा अफसोस लगा कि पहले जब इन्होंने मुझे बोला था कि इस लाश को खा लो, मैंने अविश्वास किया, मैंने बोला नहीं खाऊंगा। अगर उस समय बोल देता कि हाँ खाऊंगा तो क्या होता, होता ये कि इनको वो विद्या मिल जाती कि ये इंसान से कैसे सियार बन सकते थे और किस तरीके से उस लाश को खा सकते थे, ठीक है ना। और जब इन्होंने मिठाई खाने से इनकार किया तो गुरु का जो शक्तिपात था वो इसमें नहीं हो पाया इनके साथ। और इनका इस तरीके का कई कई परीक्षा हुआ, बहुत परीक्षा के बाद ये उत्तीर्ण हुए और गुरु पर अनंत विश्वास किया। जब अनंत विश्वास किया गुरु पर, तब इनको वज्रयान साधना के लिए इनको भेजा गया छिन्मस्तिका डाकनी के बाद, वज्र विरोचन्य के पास। और वहां से इन्होंने क्या साधना ली, इन्होंने लिया वज्र विरोचन्य का साधना, जो आज भी हम लोग वज्र की जो का जो तंत्र करते हैं, वज्रयान का प्रयोग करते हैं, वज्र का प्रयोग करते हैं, है ना। तो दूसरा क्या सीखा हमने कि अगर अनंत ज्ञान तक जाना है तो गुरु पे परम निष्ठा आपकी होनी चाहिए। गुरु में गुरु आपको कुछ बता रहा है, गुरु आपको कुछ नहीं बता रहा है, तो आपसे 10 कदम ज्यादा जरूर आपका गुरु चल चुका है, इसलिए वो आपका गुरु है। पहले तो कूद के गुरु बने ही नहीं, किसी को गुरु बनाइए ना। देखिए एक बात इसमें यह समझने की भी है कि कोई भी कूद के गुरु नहीं बनाता है। जब आप किसी से गुरु मंत्र लेते हैं ना, वो कालांतर में आपको लगने लगे अरे इससे अच्छा और गुरु मुझे मिल सकता था, लेकिन जिस समय आपने उससे गुरु मंत्र लिया था तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देखा था जो आपसे ऊपर था वो। और जिस दिन उसने आपको वो ज्ञान दिखा दिया उस दिन वो आपसे नीचे हो जाता है। ये कलयुग की समझदारी है और इसी कारण से गुरु ना अपना 100% शिष्यों को दिखाता है ना 100% शिष्यों को देता है आज के दिन। तो गुरु पर अनंत जो है विश्वास रखना, ये अघोर का दूसरा नियम है। और परम शक्ति को पाने के लिए, परम ज्ञान को पाने के लिए ये दूसरा अघोर का नियम है, ठीक है। तो अनंत ज्ञान के लिए 2 विषयों पर हमने बात किया। तीसरा ज्ञान क्या है, प्रेत सिद्धि के बारे में। तो मैं गृहस्थों को हमेशा बोलता हूँ कि प्रेत सिद्धि में नहीं पढ़ना है, प्रेत सिद्धि नहीं करना। ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का मैं भुक्त भोगी रहा हूँ, ठीक है। आज के दिन में क्या है कि हर चीज़ का
पूर्ण ज्ञान नहीं होता है बहुत सारे गुरुओं के पास, और वो जो है प्रेत सिद्धि करवा देते हैं और फिर जो है वो एक पिंड जो है चेलों के गर्दन में लटक के रह जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात सोचने का है कि अगर प्रेत सिद्धि इतना गलत होता है तो तंत्र शास्त्र में प्रेत सिद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया, यक्षिणी सिद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को इतना महत्व क्यों दिया गया। पहले तो ऐतिहासिक बात समझिए कि तुलसीदास बहुत बड़े भक्त थे श्री राम के, लेकिन कितना भी राम भजते थे तो उनको राम नहीं मिलते थे। तुलसीदास के एक कृत से, पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, एक प्रेत प्रसन्न हो गया और उसने ही हनुमान जी का राह जो है तुलसीदास जी को बताया और फिर हनुमान जी और श्री रामचंद्र का दर्शन जो है तुलसीदास जी कर पाए थे। और ऐसा आज के दिन में भी साधकों के साथ होता है। एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ दिन पहले कि किस तरीके से मैं किसी और के पंचमुंडी आसन में बैठ गया था, नवमुंडी आसन थी, और उस नवमुंडी आसन को साधक की डाकिनी जो थी वो उसकी रक्षा करती थी, या पिशाचिनी जो भी बोले, वो जो भी एंटिटी थी। तो उसने क्या किया कि उसने मेरे प्राण को हरने की कोशिश की थी। तो एक तो यह है कि प्रेत साधना बहुत साधक इसलिए करते हैं कि उनको सुरक्षा देता है या उसका काम करता है, लेकिन एक आम साधक, हमारे जैसे जो साधक हैं, उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और ना ही आवश्यकता है कि वो किसी प्रेत से काम कराए। एक बार की घटना बताता हूं मैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ पर 21 दिन की साधना थी, ठीक है। ये साधना उस स्थान पर इसलिए थी क्योंकि एक तो वहां पे जनसंख्या नहीं है और दूसरा एक विशेष पेड़ है, उस पेड़ में एक गुफा नुमा एक जगह है छोटा सा उस पेड़ के अंदर में। तो सिद्धांत था उस पूजन का कि भगवती की एक मूर्ति को बना करके उसमें रख दिया जाए और 9.25 फीट की दूरी में बैठ करके भगवती की तरफ देख के आपको जाप करना होता है। तो इतना सारा जो संयोग है वो हर जगह नहीं मिलता, वो पेड़ हर जगह नहीं मिलता, और उस पेड़ में वैसा एक गुफा नुमा जगह नहीं मिलता जहाँ पर आप भगवती को स्थापित करके और सामने 9.25 फीट पर जगह हो जहाँ आप बैठ जाइए और ऐसा जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसा एक जगह है जो साधक जानते हैं, वो वहाँ पर साधना ही करते हैं। तो वहीं पर हम बैठ करके एक साधना कर रहे थे। जब साधना कर रहे थे, मुझे लगता है कि 14-15 दिन तक तो साधना बहुत अच्छी चली थी। 16वें दिन ऐसा आभास हुआ कि उस पेड़ पे कुछ, उस पहाड़ पर कुछ जो है जीव जंतु विचर रहे हैं। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ में ये भी था कि आसपास के गांव थे, किसी का जो है वो जीव जंतु जो है वहां पर विचर रहा होगा। उसी में से एक वो जानवरों का जो पाल होगा, जो उनको घुमाने लाया था, वो हमारे सामने आ गया। वो मतलब हमारे दृष्टि में नहीं आया, वो जब दृष्टि में आ रहा था हमने उसको इशारा कर दिया और वो आके हमारे बगल में खड़ा हो गया। और जिस तरीके से मैं जाप कर रहा था और वो उसी समय जो है बोलने लगा, निरंतर बोल रहा था कि हम गांव वाले जानते हैं कि तुम लोग यहाँ टोना टोटका करने आते हो, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, तुम यहाँ से नीचे वापस जा नहीं पाओगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। इस तरीके से वो बातें करने लगा और बातें ऐसे करने लगा कि मैं थोड़ा विचलित हो जाऊँ।
और सत्य यह है कि मैं थोड़ा विचलित भी हो रहा था, क्योंकि हिंदू होना दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़ा गुनाह होता है, और अघोर और औघड़ की जो साधना है ना, वहाँ पे बड़े नीची दृष्टि से आपको देखा जाता है, और मैं पूरा काला अपना जो गणवेश है उसमें था मैं। तो एक क्षण मुझे लगा कि मुझे जो है वहाँ से उठ जाना चाहिए, और फिर कुछ सोचा मैंने, और मैंने बोला कि नहीं, अब 4-5 दिन बाकी है, कुछ व्यवस्था करूँगा आज के जाप के बाद, इसको अभी तो देखते हैं। और वो व्यक्ति वहीं खड़ा होकर के वो निरंतर बोला जा रहा था, हमने कुछ अपने गुरुओं को याद किया कि गुरु महाराज आप इस साधना को होने दो, और वो वहाँ खड़ा होकर के बोल रहा है कि अब तुम आज बस अपना उठो यहाँ से, उसके बाद देखो तुम जो है चल के जा नहीं पाओगे। थोड़े देर में एक परिवार वहाँ से, ये 14 दिन में वहाँ पे कोई नहीं आता था, ये थोड़े देर में फिर एक परिवार के 2 लोग वहाँ आए, मतलब पुरुष और महिला, और उन्होंने इसको डांट के भगाया कि तुम जब देख रहे हो कि गुरु महाराज पूजा कर रहे हो, तुम क्यों इनको तंग कर रहे हो, और वो जाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बता रहे हैं उनको कि देखो इनके जो गले में एक माला है ये यक्षिणी की है, ये यक्षिणी में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तुम सोच लो क्या करेंगे तुम गांव वालों का। फिर बोल रही है कि बाएं हाथ में इनका वीर कंगन भी है, और तुम देख रहे हो ना, तुम सामने नहीं जा रहे हो इतनी दूर पे। ये बात थोड़ा सा मेरे दिमाग में घर कर गया कि तुम सामने नहीं ना जा पा रहे हो, और फिर अपने में बात करते हुए ये सारे चले गए। तो संध्या में पहाड़ से उतर के, संध्या होने से पहले ही मैं, जिन्होंने ये मंत्र मुझे दिया था वो एक दसनामी साधु थे, बाद में जो तांत्रिक साधनाएं करने लगे थे, और उनकी यक्षिणी और जोगिनी दोनों उनके साथ चलती थी। तो हमने जब भोजन वोजन कर लिया तो उन्होंने बुलाया मुझे, और साउथ इंडियन थे तो हिंदी मिक्स करके बोलते थे, तो आज मज़ा आया। हमने बोला मज़ा क्या आएगा, आज तो लगा कि साधना जो है हमारा खंडित हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कुछ बताया कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था। उसके बाद तो उन्होंने बोला किस गांव का नाम लिया उसने, मैंने बोला गांव का नाम तो उसने लिया ही नहीं, मैंने बोला गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं उसने क्या लिया। तो उन्होंने बोला गांव का नाम उसने लिया ही नहीं, क्योंकि वो गांव का था नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्या बोल रहा। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो था वो आसपास का कोई प्रेत था, जो कि बहुत परेशान था इस पूजा पाठ से, वो किसी तरीके से मुझे वहाँ से भगाना चाह रहा था, और जब मैंने गुरु का नाम लिया था तो उन्होंने जो उनकी शक्तियाँ थी उनको भेजा था मेरी सुरक्षा के लिए। जो मुझे जो दिख नहीं रहे थे दो लोग, जो लोग पीछे से बात कर रहे थे, वो इनकी शक्तियाँ थी, और वो दोनों प्रेत थे। तो प्रेतों को आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो बाहरी साधक, वो साधक थे, वो घर में नहीं रहते थे, तो उन्होंने उसको रख रखा था। अब हमारे जैसे लोग जब प्रेत साधना करेंगे, जब यक्षिणी साधना करेंगे, जब योगिनी साधना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ज्ञान लेंगे। कुछ साल पहले हमें ऐसा लगा कि हमें योगिनी को सिद्ध करना चाहिए, तो एक दसनामी साधु ने हमें योगिनी साधना सिखाया, तांत्रिक थे, और योगिनी को जिस रूप में उन्होंने बोला था उसी रूप में योगिनी आई, और हमारे पास कुछ था ही नहीं मांगने को, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमसे उच्च श्रेणी के जो जीव हैं उनसे हम मांग नहीं सकते, मांगना बुरा होता है। तो हमने उनको बोला कि आप हमेशा आशीर्वाद दो और हमारे साथ रहो, और वो कहानी वही समाप्त हो गई। हालांकि 3 रात तक शायद मुझे नींद नहीं आई थी, तब डर गया था मैं। फिर एक साधना कर रहा था और
उस साधना में क्या था कि 8 दीपक सामने जलाना था और मंत्र का जाप करना था, बस इतना ही। हर रोज ऐसा होता था कि मैं जब भी ये साधना, जैसे आज शुरू किया, आज थोड़ा जाप वाप किया, उसके बाद एक दीपक चाहे हाथ लग जाए या पैर लग जाए या बुझ जाए, बुतना वो बुत नहीं सकता था, वो दीपक जलना ही चाहिए था। लेकिन हर रोज ऐसा हो रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा था और 8 दिया के बदले जो है 7 ही दीपक जलता था। तो उस कारण से क्या हो रहा था कि मेरी साधनाएं हमेशा खंडित हो रही थी। तो जिन्होंने मार्गदर्शन किया था उस साधना के लिए, उनके पास हम गए, उनको हमने बताया कि हमने 4-5 बार ऐसा अटेम्प्ट ले लिया है इस साधना को पूरा करने का, लेकिन ये साधना पूर्ण नहीं हो रही है और ये 8 में से 7 दिया ही जलता है। तो वो भारी हैरत में पड़ गए। बहुत सिद्ध साधक नहीं थे, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा था और उन्होंने अपने गुरु महाराज से फिर मुझे मिलाया, उनके गुरु महाराज से, और फिर ये विषय रखा गया उनके सामने। उन्होंने अपने शिष्य को बाहर निकाला और फिर हम दोनों की बात शुरू हो गई। तो उन्होंने हमें बताया कि ये कब कब हुआ, तो हमने उनको पूरी कहानी बताई कि भाई हम जब भी ऐसा साधना कर रहे थे, उनके गुरु महाराज पहुँचे हुए सिद्ध हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहते हैं, छोटी सी कुटिया बना के आप जाइएगा तो आपको किसान जैसे दिखेंगे वो। तो उन्हें बोला आप 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ। और वो जो चाय बनाने वाला बर्तन होता है उनका धुना वही था, उसी में वो अपने बिस्तर के बगल में रखते थे और उसी में धुना जलाते थे और साधना करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपने किसी जोगिनी की साधना कर रखी है क्या? तो हमने बताया कि हमने कर रखी है, हमने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ प्रत्यक्ष है। तो उन्होंने बोला कि उसी वही जोगिनी ये बार बार कर रही है आपके साथ। तो हमें बड़ा रोष आया कि अरे हमने तो अच्छी साधना करी थी, हमने कुछ मांगा भी नहीं, तब ऐसे जोगिनी क्यों कर रही है? उन्होंने बताया कि ये जो साधना आपको, मतलब मुझे जो उनके शिष्य ने दी थी, ये अधिकार नहीं है उसका देना, पहला विषय। और वो अपने शिष्य को जानते थे कि वो ऐसा दुराचारी है साधनाओं के मामले में, ज्ञानी है लेकिन दुराचारी है, तो उसको उन्होंने सही साधना नहीं दी थी। तो जो मूल साधना थी उसका जो संरचना था उसमें 7 ही दिए जलने थे। तो जब मैं 8 दिए जला करके समय बर्बाद करने की कोशिश करता था तो जो जोगनी शक्ति हमारे साथ थी वो 1 दिया बुझा देती थी ताकि जो है 7 दिया जले और मेरी साधना पूरी हो जाए। और मैं रोज जो है चिंतित होकर उठूं कि मेरी जो है साधना खंडित हो गई। तो जब उच्च स्तर की शक्तियां रहेंगी तो इस तरीके की आपकी मदद करेंगी, और अगर निम्न स्तर की शक्तियां भी रहती हैं उसकी भी बहुत कहानियां हैं हमारे पास, या हमारे साथ वाले लोगों के साथ जो घटी है, तो वो भी कई तरीके का मदद कर देता है। जो एकदम नियर फ्यूचर है या फिर जो आपके साधना में जो त्रुटि हो रही है उन सब चीज़ों को वो बता देता है आपको। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है। तो 3 चीज़ें हमने आज सीखी। क्या सीखा? पहला ये सीखा कि अगर सत्य साधक बनना है, समर्पित साधक बनना है, अनंत ज्ञान तक पहुंचना है, तो आडंबर मत करना, भीड़ में साधक दिखने की कोशिश मत करना, अपने अंदर साधक दिखने की कोशिश करना। दूसरा, गुरु पर पूरा अंधा विश्वास रखना, ठीक है। तीसरा, साधना माया के लिए कभी मत करिएगा। साधना माया के लिए करिएगा तो जो फल है वो माया तक ही रह जाएगी, और वो जो फल है वो आप अपनी मेहनत से भी इस माया की दुनिया में आप कमा सकते हैं। साधना करिए ताकि जो शक्तियां हैं वो, जो उनका अनंत ज्ञान है, उनका जो अनंत आशीर्वाद और विशेष जो उनकी शक्तियां हैं उसका प्रयोग आपको एक संपूर्ण साधक बनाने में कर पाए। ये पहली श्रृंखला आज ज्ञान चर्चा की मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। इसकी दूसरी श्रृंखला लाऊंगा जो, तो मतलब एडवांस लेवल बढ़ता जाएगा हर बार, और हर बार आपको एक नई नई चीज़ें बताऊंगा जो सुन करके आप जो है अपने आप को एक सार्थक सिद्ध साधक कर पाओगे, बना पाओगे। आज के लिए इतना ही।
आप सभी पर रांची वाले भैरव बाबा अनंत कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्।